जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं ना, तो मन में एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि काश मैंने पढ़ा होता, अपने सपनों के लिए लड़ा होता, अपनी काबिलियत को पहचाना होता। काश मैंने पढ़ा होता। माँ बोलती थी बेटा पढ़ ले, पापा कहते थे बेटा अपनी जिम्मेवारियां समझ, पर नहीं, मैं तो अपने में ही मस्त था, मुझे किसी की परवाह नहीं थी, कोई कुछ भी कह ले। पर आज समझ में आया कि काश मैंने पढ़ा होता, अपने सपनों के लिए लड़ा होता, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज मुझे अफसोस नहीं होता कि काश मैंने पढ़ा होता, अपने सपनों के लिए लड़ा होता। दोस्तों, अक्सर हम समय रहते अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगाते, जिसके कारण हमारी एक चूक हमें पूरी लाइफ अफसोस करने पर मजबूर कर देती है और हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं। जब जब मैं अपने सपनों के बारे में सोचता हूँ ना, और फिर याद आता है कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, तब तब मेरा दिल रो पड़ता है कि मेरा सपना कैसे पूरा होगा। जब जब मैं ये सोचता हूँ ना कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, तो उस वक्त भी रूह से एक दर्द भरी आवाज आती है कि काश मैंने पढ़ा होता, मैंने यूं ही अपने पल को बर्बाद कर दिया, मैंने यूं ही अपने कीमती समय को वेस्ट कर दिया। जब मुझे पढ़ना चाहिए था, तब मैं घूमने फिरने में मस्त था, जब मेरे पास कुछ कर दिखाने का वक्त था, तब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बहुत दर्द होता है जब कोई इंसान अपने किए पर पछताता है। आपकी सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है ना कि ना ही आप खुद को जान पा रहे हो, ना वक्त को, ना ही अपने सपनों को, बस जिंदगी को खुलकर मजे के साथ जिए जा रहे हो। और फिर 5 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि ये वजह आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर जिंदगी भर पछताते रहना, पूरी लाइफ अफसोस में गुजारते रहना। फिर उस वक्त खुद से बार बार कहोगे कि काश मैं कुछ कर लेता तो ये ना देखना पड़ता। तो जाओ और कह दो खुद से कि तेरे पास बहुत वक्त है और इस वक्त मैं वो करूँगा जो मुझे करना चाहिए, मैं पढ़ूंगा, अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। दोस्त, अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करो कि बाद में पछतावा नहीं बल्कि खुद पर नाज हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको खूब पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो एक लाइक जरूर ठोकना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।